नमस्कार, सीबीएसई इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास सेवेंथ में कल जहां तक पढ़ा था उसके बाद वाले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में ही हम सेकंड टॉपिक से शुरू करेंगे स्टडी करना, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। तो इसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, खासकर क्या क्या चीज़ें आपको स्टडी करना है और कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नॉर्मली जो सोर्सेज हैं, मतलब इतिहास के जो स्रोत हैं, वो ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइम पीरियड का इतिहास का स्रोत जानना चाहते हैं। तो हर पीरियड की जब हम स्रोत के बारे में या उसके सोर्सेज के बारे में या उस पीरियड के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, तो उसके सोर्सेज अलग अलग होंगे, स्रोत अलग होंगे। मतलब अगर आज के 4000 5000 6000 साल पहले का हमें हिस्ट्री का स्रोत चाहिए, तो मतलब जानकारी चाहिए, तो उसका सोर्स अलग होगा। 2 साल पहले की जानकारी चाहिए तो उसका सोर्स अलग होगा। साल भर पहले की जानकारी चाहिए तो सोर्स अलग होगा। मीन्स कहने का मतलब यह है कि डिपेंड करता है कि मतलब किस पीरियड की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि और डिपेंड करता है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन का नेचर क्या है, पर्पज क्या है, हम किस पर्पज के लिए वो सोर्सेज या कौन सी जानकारी जानना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस क्लास सेवेंथ में जो आप हिस्ट्री स्टडी करेंगे, वो 700 से लेकर के 700 से लेकर 1750 एडी तक जो इतिहास है भारत का, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। 700 से ले करके 1750 तक, तो लगभग 1000 साल का, या 1000 साल से थोड़ा सा ऊपर है, 1000 ईयर का हमें इतिहास या हिस्ट्री या जानकारी चाहिए। तो इस पीरियड में हम स्टडी करने वाले क्लास सेवेंथ में 700 से लेकर के 1750 तक। और इस पीरियड की जानकारी हमें किन किन चीज़ों से मिलती है। पहला, क्वाइन, जो सिक्के हैं, जो सिक्के मिले हैं उन सिक्कों से हमें इतिहास की जानकारी मिलेगी। इंस्क्रिप्शंस, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, दीवारों पर लिखी हुई चीज़ें, पत्थरों पर लिखी हुई चीज़ें, या इस तरह की किसी हार्ड सरफेस पर लिखी हुई चीज़ें, उनसे हमें जानकारी मिलती है। आर्किटेक्चर, जो बिल्डिंग्स बनाई गई, जो उस पीरियड में मकान बने या पैलेसेस बने या इस तरह की कोई पुरानी चीज़ें जो बनाई गई, उससे भी हमें काफ़ी इतिहास को जानने में मदद मिलती है। और चौथा है टेक्सचुअल रिकॉर्ड। आपको पता है कि उस समय पेपर नहीं था, तो किस तरह से लोग लिखते थे, मतलब उस ज़माने में 700 के अगर हम शुरुआती दौर की बात करें, तो उस समय लोहे की प्लेटों पर या मेटैलिक चीज़ों पर या लकड़ी के प्लेटों पर या लकड़ी की जो चीज़ें तख्तियाँ होती थी उस पर, या पत्थरों की जो स्लेट होते हैं पतले पत्थर, उस पर लिखे जाते थे या दीवारों पे लिखे जाते थे। तो हमें इस तरह की कुछ, और कुछ जो लीव्स होती थी, पत्तियाँ, चौड़ी पत्तियाँ, उस पर भी लिखा जाता था। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें इन सब स्रोतों से मिलती है, जो कि सिक्के हैं, इंस्क्रिप्शंस है, आर्किटेक्चर है और टेक्सचुअल रिकॉर्ड है। तो ये 4 सोर्सेज हैं जिससे हमें 700 से लेके 1750 तक की जानकारी मिल जाती है। और अगर हम बात करें 700 से लेकर के 1750 तक, तो जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड है उसकी संख्या लगातार बढ़ती गई। कारण क्या था कि एक समय बाद पेपर का आविष्कार हुआ,
और उसका आविष्कार चाइना में हुआ। चाइना से वो यूरोप पहुंचा, यूरोप से भारत में आया। तो पेपर के आने के बाद लिखना और कॉपी करना, टेक्सचुअल रिकॉर्ड रखना काफ़ी आसान हो गया, इजी हो गया। तो जैसे जैसे हम 700 से 1750 की ओर बढ़ेंगे, टेक्सचुअल रिकॉर्ड की संख्या ज़्यादा होती चली जाएगी। दूसरी चीज़, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, 1750 के आसपास हम बढ़ते हैं, 700 से लेकर के, जो पेपर है पहले बहुत महंगा हुआ करता था, धीरे धीरे सस्ता होना शुरू हो गया। इट बिकेम्स चीपर एंड मोस्टली अवेलेबल इन द प्लेसेस, तो लगभग हर जगह उपलब्ध था और सस्ता होने लगा समय के साथ में। इसके अलावा जो पुराने जो टेक्सचुअल बुक जो लिखे जाने शुरू हुए, वो किस तरह के, किस संदर्भ में टेक्सचुअल बुक लिखे गए। जैसे सबसे पहले आता है होली टेक्स्ट। होली टेक्स्ट क्या है? पवित्र ग्रंथ। पवित्र ग्रंथों में क्या क्या आएगा? महाभारत आएगा, रामायण आएगा, रामचरितमानस आएगा, उपनिषद आएंगे, वेद आएंगे, पुराण आएंगे। अगर अन्य धर्मों की बात करें, कुरान, हदीस, या जैन और बौद्ध धर्म की जो किताबें हैं, क्रिश्चियनिटी में जो बुक्स हैं, मतलब धार्मिक जो ग्रंथ हैं, सबसे पहले पेपर आने के बाद पहले वही लिखे गए। क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी रिलीजन या धर्म से बंधा हुआ था, किसी न किसी समुदाय से जुड़ा हुआ था, लोगों की भगवान में आस्था थी, तो गॉड से रिलेटेड जो बुक्स थी सबसे पहले वही लिखे जाने शुरू हुए। उसके बाद क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, जो राजा थे, जो शासक थे, उनकी जीवन में घटने वाली सारी घटनाएं, उनके बारे में लिखा जाना शुरू हुआ। इसके अलावा लेटर्स भी कौन से? जो शाही लेटर होते थे, जो राजशाही लेटर थे, मतलब एक राजा से दूसरे राजा के पास जो लेटर भेजे जाते थे, उनके रिकॉर्ड्स मिलने शुरू हुए या लिखे जाने शुरू हुए। टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, जो साधु, बड़े बड़े साधु, महात्मा, ऋषि मुनि थे, उनकी जो शिक्षाएं थीं, वो भी धीरे धीरे टेक्सचुअल रिकॉर्ड में लिखी जाने लगी। पेटिशंस, कोई याचिका वगैरह है तो वो भी लिखी जानी शुरू हुई। जुडिशियल रिकॉर्ड्स लिखे जाने शुरू हुए। न्यायपालिका में जो जुडिशियल रिकॉर्ड होते हैं उसको भी टेक्स्ट में लिखा जाना शुरू हुआ। रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट मतलब बही खाता, लेन देन का बही खाता, मतलब मनी का, ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड्स होता है उसको टेक्सचुअल रिकॉर्ड में, रजिस्टर में लिखा जाना शुरू हुआ। और टैक्सेस का पूरा डिटेल, ये लिखा जाना शुरू हुआ। तो शुरू में अगर हम देखें तो उस समय मैन्युस्क्रिप्ट था, क्योंकि मशीन नहीं थी तो हाथ से लिखा जाता था। और इस काम में काफ़ी मुश्किल होती थी, वही लोग मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे, जो स्क्राइब्स होते थे, लिखने के बड़े एक्सपर्ट होते थे, लेकिन गलतियां उनसे भी होती थी, मिस्टेक्स उनसे भी होता था। जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता था उसकी कॉपी बनाई जाती थी, तो कॉपी बनाने में, ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ करके दोबारा लिखने में ये गलतियां होती, मिस्टेक्स होते हैं। तो जैसे जैसे कॉपी बनती गई वैसे वैसे डिफरेंसेस भी आने शुरू हुए, और ओरिजिनल जो टेक्स्ट हैं वो धीरे धीरे देश से, समाज से वो गायब होते चले गए, फट गए, सड़ गए, पुराने हो गए। तो ऐसा भी देखने को मिला। मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्टेड बाई वेल्दी पीपल रूलर्स, जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो वेल्दी, जो धनी व्यक्तियों थे, व्यक्ति थे, उनके पास था, या रूलर्स राजाओं के पास था, या मोनास्ट्रीज में रखे हुए थे, या टेम्पल्स में रखे हुए थे, तो ऐसी जगहों पे देखा, मीन्स शुरू में था, लेकिन बाद में
जो जब देश आज़ाद हुए, सरकारें बनने लगी, या ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, या इंडियन हम आज़ाद हुए, या इंडियन गवर्नमेंट बनने के बाद, राज्यों की गठन होने के बाद, ये सारा पब्लिक लाइब्रेरी जो गवर्नमेंट की लाइब्रेरी होती है उसमें ये टेक्स्ट रखे गए, और लाइब्रेरी के अलावा आर्काइव्स बनाए गए। आर्काइव्स का क्या है मीन्स, यह आर्काइव जो है हर राज्य के पास होता है और राष्ट्र के पास भी होता है, जो हमारी पुरानी जो कुछ जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सिक्के हों, चाहे खाने पीने के कोई सामान हो, या कोई पॉट्स हो, या ज्वेलरी हो, कपड़े लत्ते हों, जो पुराने जितने भी पुराने हैं चीज़ें, यूज करने वाली चीज़ें हैं, वो सब उसी आर्काइव में रखे रहते हैं। इवन जो टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट भी होते हैं, वो सारी चीज़ें, सारा इंस्ट्रूमेंट, सारी चीज़ें जो कुछ भी पुराने समय में यूज हुआ, वो सब चीज़ें आर्काइव में रखे हुए हैं। तो आगे हम बात करते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट एंड रिकॉर्ड्स प्रोवाइड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस। जो मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी गई चीज़ें, यह हमें और हिस्टोरियन को बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इससे हमें इतिहास का पता चलता है, उस समय में जब लिखा गया उस समय के जनजीवन के बारे में पता चलता है, प्रशासन के बारे में पता चलता है, राजनीति के बारे में पता चलता है, राजा के बारे में पता चलता है। तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो उस समय वो सारे टेक्स्ट कैसे लिखे जाते थे, स्क्राइब लिखते थे उसे, और हाथों से लिखा जाता था। एक ओरिजिनल टेक्स्ट की ढेर सारी कॉपी बनाई जाती थी, तो उसमें डिफरेंसेस भी देखने को मिला। तो पहली चीज, किसी ने मैन्युस्क्रिप्ट लिखा और दूसरा जो कॉपी कर रहा है उसको पढ़ने में भी समस्या आती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कई बार आप दूसरे की कॉपी से अपना आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर आप कॉपी कर लेते हैं, लेकिन दूसरे की कॉपी में उसने क्या लिखा है आपको कई बार नहीं समझ में आता, दूसरे के हैंड राइटिंग नहीं समझ में आती। तो ऐसा पहले भी होता था, मैन्युस्क्रिप्ट जब लिखी जाती थी, स्क्राइब लिखते थे, तो ओरिजिनल टेक्स्ट में जो लिखा हुआ चीज़ें नहीं समझ में आती थी, उन्हें नहीं समझ में आती थी जो कॉपी करते थे, तो कुछ सेंटेंसेज भी बदल जाते थे, वर्ड भी चेंज हो जाते थे। सम चेंजेस फाउंड व्हेन मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीड, तो ऐसे चेंजेस देखने को मिला ओरिजिनल टेक्स्ट में से लेकर के जो उसकी कॉपी बनाई गई, उसमें वर्ड और सेंटेंसेस दोनों में ऐसा चेंजेस देखने को मिला। जो प्रॉब्लम खास करके थी, ओरिजिनल जो टेक्स्ट था वो गायब हो गया, मिला ही नहीं, उसका कॉपी वर्जन मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल दी गई उसमें। कॉपी करते समय जो स्क्राइब्स थे उन्होंने चीज़ों को चेंज कर दिया, पूरे के पूरे सेंटेंस चेंज हो गए, कई कई वर्ड चेंज हो गए, तो उसका मीनिंग भी बदल गया, तो ऐसा भी देखने को मिला। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द कॉपीड मटेरियल ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, हम पूरी तरह से कॉपीड मटेरियल पर डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं अवेलेबल है, वो गायब हो चुका है। अब हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं, 14th सेंचुरी में जो एक क्रॉनिकलर थे जियाउद्दीन बर्नी का नाम सुना होगा, 14वीं शताब्दी में जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने अपना पहला जो क्रॉनिकल लिखा था वो 1356 में लिखा था। जो पहला फर्स्ट जो क्रॉनिकल लिखा था इन्होंने वो 1356 में लिखा था, और उसके 2 साल बाद इन्होंने और भी टेक्स्ट लिखे, उसका दूसरा वर्जन भी 2 साल बाद लिखा, लेकिन इन्हीं के जियाउद्दीन बर्नी के जो पहला वर्जन है और जो 2 साल बाद लिखा गया, काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है। और पहला वर्जन जो फर्स्ट वर्जन था 1356 का, वो तो गायब ही हो गया, मिला ही नहीं, जो बाद के वर्जन थे उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है, तो ऐसा भी हुआ, दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। एक ही राइटर लिखता है लेकिन 2 साल बाद लिखता है, तो दोनों टेक्स्ट में अंतर देखने को मिलता है।
ये तो मतलब गायब, मतलब किसी लाइब्रेरी में मिसप्लेस हो गया, कहीं रखा हुआ था लाइब्रेरी में, किताबों के ढेर में नहीं मिला। फर्स्ट वर्जन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में जो पहला वर्जन था वो गायब हो गया। तो ऐसा भी हुआ। तो हिस्टोरियन के लिए कितना मुश्किल है आप ये सोच सकते हैं कि एक तो ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ना, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अरेबिक लैंग्वेज में लिखा है, पर्शियन में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। पुराने संस्कृत और आज के संस्कृत में अंतर है। 1000 साल पहले जो अरेबिक लैंग्वेज लिखी गई, आज के अरेबिक लैंग्वेज बहुत डिफरेंस है, पर्शियन में डिफरेंसेस है। संस्कृत टेक्स्ट जो लिखे गए पहले और आज में, उसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जो ओल्ड टेक्स्ट था और न्यू टेक्स्ट है उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है। कई बार हमें वो सारी चीज़ें, पुरानी लिखी हुई चीज़ें नहीं समझ में आती है। तो इसके लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे होते हैं जो कई कई 1000 साल पुराने जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उसको पढ़ते हैं वो लोग और उसका मीनिंग निकालते हैं। अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, आप सोच सकते हैं। 3-4 हज़ार साल पहले लोग नहीं लिखते थे या कोई टेक्स्ट लिखते थे या कुछ ऐसा इमेज बनाते थे, तो उस इमेज के अलग अलग मीनिंग भी निकाला अलग अलग हिस्टोरियंस ने, तो ऐसी भी प्रॉब्लम होती है। तो हिस्टोरियन के लिए ये काम बहुत मुश्किल भरा होता है। टेक्स्ट मिल गया लेकिन उसको समझना, उसको मिस डिस्क्राइब करना, उसकी व्याख्या करना, क्या लिखा गया है, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और अपना नाम ज़रूर लिखिए स्कूल के साथ में, जिससे मुझे पता लगे कि आप किस स्कूल के हैं। आज का टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और पढ़ते रहिए रेगुलर, आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, एक के बाद एक वीडियो सारे को रिलेटेड होते हैं। इसके बाद हम इससे अगला जो टॉपिक जुड़ा हुआ होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग सीबीएसई इकोनॉमिक्स।